जसपुर की फीका नदी में अवैध खनन को लेकर और खनन माफियों के खिलाफ कार्रवाई न करने का आरोप लगाते हुए विधायक आदेश चौहान ने एसडीएम कार्यालय पहुंचकर उनका घेराव किया। बता दें कि बीते दिनों विधायक आदेश चौहान की शिकायत पर एसडीएम गौरव चटवाल ने फीका नदी में अवैध खनन की शिकायत पर तहसीलदार शुभांगिनी को लेकर कार्रवाई करने के आदेश दिए थे, जिस पर तहसीलदार शुभांगिनी ने मौके पर पहुंचकर जेसीबी को पकड़कर कार्रवाई की। इसी प्रकरण को लेकर आज जसपुर विधायक समर्थकों को लेकर एसडीएम कार्यालय पहुंचे और प्रशासन पर कई आरोप लगाते हुए कार्रवाई न करने की बात कहने लगे, जिसको लेकर एसडीएम और विधायक के बीच तीखी नोकझोंक होने लगी। वहीं एसडीएम द्वारा अवैध मिट्टी खनन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के आश्वासन के बाद मामला शांत हुआ। जसपुर से प्रदीप श्रीवास्तव की रिपोर्ट। कहना चाहता हूँ कि एसडीएम ने बताया कि भाई पुलिस हमें सहयोग, तो मैंने एसएसपी से बात की कि भाई आप अगर प्रशासन हमें फोर्स मांगे तो आपको भेजनी चाहिए। क्या तहसीलदार ने भी कहा कि पुलिस लेट पहुंची जब तक वो लोग भाग चुके थे। फिर मैंने जिलाधिकारी को भी ये बात अवगत कराई, तो इसमें पुलिस को भी प्रशासन की मदद करनी होगी क्योंकि अवैध काम रोकना सभी की जिम्मेदारी है। था कि उनके द्वारा ये कहा गया कि कुछ जगह अवैध खनन हो रहा है, तो उसमें हमने ये बोला है कि उसकी जो जांच की जा रही है, उसमें जो भी उचित कार्रवाई होगी उसमें दी गई। हमने उसमें जेसीबी यहाँ पे उसको सीज किया है और हमने जो भी उसमें कार्रवाई उससे रिलेटेड है उसका रिपोर्ट तैयार की जा रही है और जो है उसको जिलाधिकारी महोदय को प्रेषित किया जाएगा और उसमें जो भी उचित कार्रवाई वो की जाएगी। फिर उनका आरोप है कि उनका आरोप मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये था कि जहाँ पे